हेलो बच्चों, आज हम मेजर टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो बच्चों, आज हम मेजर टेस्ट के सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो कि हमारा जो क्लास 11th ग्रेड का जो सिलेबस है ना, उसमें हमारे पास पी ब्लॉक एलिमेंट है, तो बोरॉन फैमिली एंड कार्बन फैमिली। 11th ग्रेड में आईयूपीएसी नॉमिनक्लेचर है, जीओसी एंड हाइड्रोकार्बन है। यह हमारे सिलेबस का 40% वेटेज कवर करता है। इसी तरीके से जो क्लास 12th का ग्रेड है ना, वो 60% वेटेज रखता है। इसका जो चैप्टर है सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, कोआर्डिनेशन कंपाउंड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन फैमिली, हैलोजन एंड नोबल गैस, डी एंड एफ ब्लॉक, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, हेलो एल्केन एंड हेलोरिन चैप्टर कवर करता है सिलेबस में। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों कुछ इस प्रकार है, द इनर्ट पेयर इफेक्ट डाउन द ग्रुप इन 13 ग्रुप। तो बच्चों हम ग्रुप 13 एलिमेंट के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे पास जो ग्रुप 13 एलिमेंट होते हैं कुछ इस प्रकार होता है, बोरान, आलू, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। तो बच्चों कुछ इस प्रकार एलिमेंट हमारे, और हम जानते हैं कि जो बोरान फैमिली है ना, वह +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। लेकिन जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं ना, तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट मेजरली शो होता है। यह किस वजह से होता है? जो नीचे वाले जो दो एलिमेंट है ना, उसके लास्ट के जो NH2 इलेक्ट्रॉन है ना, NH2 इलेक्ट्रॉन और NP1 इलेक्ट्रॉन, जो NH2 इलेक्ट्रॉन है ना, यह न्यूक्लियस से ज्यादा अटैचमेंट होता है और यह इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करता है, जिसकी वजह से यह NH2 इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बंधा होता है और NP इलेक्ट्रॉन नहीं बंधा होता है। तो केवल और केवल NP इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलता है, इसकी वजह से +1 ऑक्सीडेशन शो होता है। तो रीजन क्या है हमारा? ऊपर से नीचे आने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? इंक्रीज होने लगता है। हम 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो इसमें हमारे पास द स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज इन द सिक्वेंस। तो बच्चों अभी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो 13 ये ग्रुप है ना, वो कौन कौन से एलिमेंट है? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे आते हैं ना, तो जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो क्या होने लगता है? बढ़ने लगता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा? थैलियम का होगा। थैलियम के बाद हमारे पास किसका होगा? इंडियम का होगा। इंडियम के पहले कौन आएगा? गैलियम। और गैलियम के पहले कौन आएगा? एल्यूमिनियम। इस प्रकार हम देखें तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है ना, यह हमारा सही आंसर है। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव। बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है? Cl2 ऑप्शन ए, ऑप्शन बी हमारे पास है Br2, ऑप्शन सी हमारे पास है I2 और ऑप्शन डी हमारे पास है ICl। बच्चों अगर ध्यान से देखें ना, तो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट 3 ऑप्शन है ना, यह हेलोजन है। क्या है? हेलोजन है। और यह जो लास्ट वाला डी वाला है ना, यह इंटर हेलोजन है। इंटर हेलोजन का मतलब यह हुआ कि दो हेलोजन से मिलकर बना हुआ, जैसे कि आयोडीन और क्लोरीन। अगर मैं सबसे ज्यादा रिएक्टिव की बात करूं ना, तो जो F2 होता है ना, यह मोस्ट रिएक्टिव होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। लेकिन जस्ट इसके बाद ना, अगर कोई इंटर हैलोजन है ना, तो वह ज्यादा रिएक्टिव है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन डी है ना, वो करेक्ट हमारा आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास जो 34 नंबर क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है, F2 इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एमोंग ऑल हैलोजन। स्टेटमेंट 2, क्लोरीन हैज हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एमोंग ऑल एलिमेंट्स। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करेंगे। स्टेटमेंट फर्स्ट हमारे पास क्या बोलता है? जो F2 होता है ना, F2, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हाईएस्ट होता है। क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। बच्चों हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वजह से यह बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। अब हम बात कर लेते हैं स्टेटमेंट 2 की। तो बच्चों जो स्टेटमेंट 2 है ना, स्टेटमेंट 1 तो हमारे पास सही है, क्योंकि F2 जो है वो हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग पोटेंशियल शो करता है। स्टेटमेंट 2 की बात करें, फ्लोरीन हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव अमंग ऑल एलिमेंट। तो बच्चों फ्लोरीन जो होता है ना, वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, मोर
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम सभी एलिमेंट्स में होता है। तो बच्चों स्टेटमेंट टू भी हमारा क्या है, स्टेटमेंट टू भी हमारा सही है, लेकिन जो हमारे पास स्टेटमेंट वन है और स्टेटमेंट टू, इन दोनों का कोई एक दूसरे से रिलेशन नहीं है कि वह इसको सेटिस्फाइड करता है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन बी होगा ना वह करेक्ट ऑप्शन होगा, जिसमें स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट बोथ आर ट्रू बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर स्टेटमेंट फर्स्ट। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की, विच ऑफ द फॉलोइंग नोबल गैस इज लीस्ट पोलराइज। बच्चों अगर मैं नोबल गैस की बात करूँ ना तो हमारे पास कुछ इस प्रकार होता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो बच्चों अगर मैं बात करूँ ना तो जितना ही हम ऊपर से नीचे आएंगे ना तो साइज क्या होता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा। और पोलराइजिंग पावर क्या होगा, यानी कि पोलराइज क्या होता जाएगा, जैसे जैसे नीचे आएंगे ना तो हमारे पास पोलराइज क्या होता जाएगा, पोलराइजेबल होता जाएगा। तो इस प्रकार अगर मैं जेनॉन और रेडॉन की बात करूँ तो ये सबसे ज्यादा पोलराइजेबल है, और मैं हीलियम की बात करूँ तो ये सबसे टॉप पे है या लीस्ट पोलराइजेबल है, लीस्ट पोलराइजेबल। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, द करेक्ट आईपीएससी नेम। सबसे पहले तो हम फिगर बना लेते हैं कि हमें किस फिगर के लिए आईपीएससी नेम पूछा जा रहा है। बच्चों कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, और नंबरिंग हम वहां से स्टार्ट करते हैं जहां से हमें ज्यादा ब्रांच मिले। तो नंबरिंग कुछ इस प्रकार कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। यह जो हमारे पास मेथिल है और यह जो हमारे पास पेंटिल है, यह ब्रांच का काम करेगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं मेथिल और यहाँ पे लिख देते हैं पेंटिल। तो बच्चों इस प्रकार अगर हम देखें ना तो जो हमारे पास इस प्रकार अगर हम देखें ना तो जो हमारे पास यह साइक्लोपेंटिल है और यह मेथिल है, साइक्लोपेंटिल है और मेथिल है। अगर मैं नंबरिंग की बात करूँ ना तो हम 1, 2 दूसरे पोजिशन पे दोनों है, तो हम क्या करेंगे, अगर एम और सी की बात करें ना तो जो सी है ना अल्फाबेटिकल में पहले आता है, तो हम इसलिए साइक्लोपेंटिल को पहले लिखेंगे। तो वह दूसरे पोजिशन पे क्या लिखेंगे, 2 साइक्लोपेंटिल, 2 मेथिल। और बच्चों हमारे पास 5 नंबर की लंबी चेन है तो हम लिखेंगे मेथिल, 5 नंबर की लंबी चेन है तो हम लिखेंगे पेंटेन। इस प्रकार जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है ना वह करेक्ट हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, हमें इसमें भी आईपीएससी नेम लिखना है। तो ध्यान से देखो बच्चों हमारे पास कुछ इस प्रकार है, CH3 यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, CH, सी डबल बॉन्ड ओ, CH2, CH2, CH3, और नीचे कुछ इस प्रकार है, सी डबल बॉन्ड ओ और NH2। बच्चों अगर ध्यान से देखें ना यह हमारे पास एमाइड ग्रुप है और यह हमारे पास कीटोन ग्रुप है। अगर मैं कीटोन और एमाइड की बात प्रायोरिटी की बात करूँ ना तो जो हमारे पास एमाइड ग्रुप होता है ना वह मोर प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। तो हम क्या करेंगे, कुछ इस प्रकार इसका नॉमिनक्लेचर होगा। तो बच्चों अगर नंबरिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि यह फंक्शनल ग्रुप का जैसे काम करता है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। और बच्चों यह हमारे पास ना एक ब्रांच जैसे काम करेगा। अगर मैं कीटोन की बात करूँ ना तो कीटोन अगर सब्स्टिट्यूएंट जैसे काम करेगा ना, इसका नाम होगा ऑक्जो होगा। क्या नाम होगा बच्चों, ऑक्जो होगा। तो ध्यान से देखते हैं हमारे पास कुछ इस प्रकार है, 6 कार्बन की चेन है और हमारे पास ब्रांच में कुछ इस प्रकार है, मेथिल ब्रोमो। तो दूसरे पोजिशन पे हमारे पास क्या जुड़ा हुआ, 2 ब्रोमो मेथिल। उसके बाद हमारे पास थर्ड पोजिशन पे जुड़ा हुआ है ऑक्जो, और हमारे पास 6 कार्बन की लंबी चेन है तो हम कुछ इस प्रकार लिख देते हैं, लिख सकते हैं हेक्ज एन, और हमारे पास क्या है एमाइड है तो हेक्जेनामाइड हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम बात करें ना तो जो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बात कर लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन की, तो 38 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारे पास, इस प्रकार है। अगर हम इसकी नंबरिंग करें ना, नंबरिंग तो हम उधर से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं जहां से हमें डबल बॉन्ड को लिस्ट लिस्ट नंबर मिलता है और हमारे पास ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो नंबरिंग हम कुछ यहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। 5 नंबर की हमारे पास चेन है और देखे तो हमारे पास दूसरे नंबर पर फेनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, 4th नंबर पे ब्रोमो ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो हम कुछ इस प्रकार लिखते हैं, 4 ब्रोमो
फेनिल, और हमारे पास 5 नंबर की लंबी चेन है, तो हम एस कुछ इस प्रकार लिखेंगे पेंट, और दूसरे नंबर पे हमारे पास डबल बॉन्ड है तो टू इन, तो इस प्रकार हमारे पास यह नेम हो जाएगा, और हमारे पास जो सही विकल्प है वह विकल्प ये है। हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 39 की, तो कुछ इस प्रकार है, व्हेन 30 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो हम कुछ इस प्रकार लिख लेते हैं, जो हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वो 30 ग्राम है, हैविंग इम्पीरिकल फॉर्मूला, इसका जो इम्पीरिकल फॉर्मूला है CH2O है, इज डिजॉल्व इन 800 ग्राम ऑफ वाटर, जो हमारे पास बच्चों कैपिटल W है वह 0.8 हम लिख लेते हैं और केजी में लिख लेते हैं। द सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -1.16, तो बच्चों जो हमारे पास सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, टीएस जो है ना, वह कुछ इस प्रकार है -1.16 डिग्री सेल्सियस है, और जो केएफ की वैल्यू कुछ इस प्रकार दी हुई है 1.86 किलो जी मोल, और हमें क्या करना है कि हमें मॉलिकुलर फॉर्मूला सॉल्यूट का निकालना है, जो हमारे पास सॉल्यूट है ना उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला निकालना है। सबसे पहले हम जानते हैं बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ना, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू एम इंटू केएफ, तो बच्चों अगर ध्यान से देखो ना, तो हमारे पास जो टीएस का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, टी नॉट माइनस टीएस इक्वल टू, बच्चों ये नॉन वोलेटाइल है, नॉन वोलेटाइल है तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, और केएफ की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दे रखा है 1.86, और एम की वैल्यू, एम मतलब होता है बच्चों मोलैलिटी, तो मोलैलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, डब्ल्यू बाई एम कैपिटल डब्ल्यू। बच्चों ध्यान से देखें तो यहाँ पे हमारे पास वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो यहाँ पे हम 0 लिख सकते हैं, माइनस माइनस 1.16 कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, इक्वल टू 1.86। बच्चों जो हमारे पास ये डब्ल्यू है ना वो सॉल्यूट का वेट है, तो 30 ग्राम यह दिया हुआ है, और हमें इसका मोलर वेट नहीं पता, तो इसको क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास क्या है 0.8 है कुछ इस प्रकार है। तो बच्चों अगर हम क्या करें, अगर हमें मोलर वेट निकालना है तो हम ऐसे करेंगे एम इक्वल टू 1.86 डिवाइड बाई 1.66 इंटू 30 डिवाइड बाई 0.8। बच्चों इसको सॉल्व करने पर ना जो हमारे पास एम की वैल्यू निकल के आई है कुछ इस प्रकार निकल के आई है, 60 आई है, जो हमारे पास एम की वैल्यू निकल के आई है वो 60 आई है। तो अब हम क्या करते हैं ना, यह तो हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला है, अब हम देख लेते हैं इम्पीरिकल फॉर्मूला का वेट कितना है। बच्चों अगर हम इम्पीरिकल फॉर्मूला का चेक करें ना, इसका जो हमारे पास मॉलिकुलर वेट है वो 30 आया है, मॉलिकुलर फॉर्मूला का वेट 60 आया है और इम्पीरिकल फॉर्मूला का वेट 30 आया है, तो जो एन की वैल्यू होती है कुछ इस प्रकार होती है, मॉलिकुलर फॉर्मूला वेट डिवाइड बाय इम्पीरिकल फॉर्मूला वेट, तो एन की वैल्यू बच्चों 2 आएगी, इस प्रकार हम मॉलिकुलर फॉर्मूला कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं, टू इंटू CH2O, कुछ इस प्रकार आएगा हमारे पास C2H4O2, तो बच्चों जो हमारा पास C2H4O2 जो हमारे पास विकल्प बी है यानी ऑप्शन 2, वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन कुछ हमारे पास इस प्रकार दिया हुआ है, द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन क्लोज कंटेनर डिपेंड ऑन विच द फॉलोइंग फैक्टर, तो बच्चों जो वेपर प्रेशर होता है ना, वेपर प्रेशर वह ओनली और ओनली किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वह लिक्विड के सरफेस एरिया और क्वांटिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड नहीं करता है, तो इस प्रकार जो हमारा टेम्परेचर ऑफ लिक्विड होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि जो हमारे पास ऑप्शन ए होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, क्वेश्चन नंबर 41 में हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, कंसीडर द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द रिड्यूसिंग पावर, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, तो बच्चों अगर हम बात करें ना, तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, Fe3+ और एक इलेक्ट्रॉन लेके हमारे पास बन गया Fe2+, और इसका जो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल कुछ इस प्रकार दिया हुआ है 0.77 वोल्ट, अगर हम देखें तो Al3+ और ये 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो गया, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल -1.66 वोल्ट है, और अगर हम ब्रोमीन की बात करें ना, तो ब्रोमीन 2 इलेक्ट्रॉन लेके 2Br- में चला गया, और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है +1.09 वोल्ट है। बच्चों अगर हम बात करें ना,
तो जिसका सबसे ज्यादा माइनस में रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वह बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग पावर का होता है, वह बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। वह क्या करता है कि खुद को ऑक्सीडाइज कर देता है, दूसरों को रिड्यूस कर देता है, दूसरों को रिड्यूस कर देता है। तो इस प्रकार देखे बच्चों, तो हमारे पास यहाँ पे जो एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम, इसका जो हमारे पास इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल है वह बहुत ही ज्यादा माइनस में, तो जो हमारे पास एल्यूमिनियम होगा वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग पावर का होगा। फिर इसके बाद सबसे नजदीक कौन है, हमारे पास आयरन है, तो आयरन 2+ है, यह सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर का होगा। फिर हमारे पास होगा ब्रोमीन, ब्रोमीन का सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास ब्रोमीन ये होगा। तो इस प्रकार बच्चों अगर हम ध्यान से देखें ना, तो जो हमारे पास ऑप्शन बी है वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की, तो क्वेश्चन नंबर 42 कुछ इस प्रकार है, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O इंटू N2 एंड O2 इन प्रेजेंस ऑफ गैसियस आर्गन फॉलो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो बच्चों हमारे पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, और जिसके लिए कांस्टेंट की वैल्यू कुछ इस प्रकार दी हुई है, 5 × 10^11 e−4157 केल्विन डिवाइड बाई टी, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिएक्शन, हमें एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। तो बच्चों हम लोग आरहीनियस कांस्टेंट का फॉर्मूला जानते हैं, कुछ इस प्रकार होता है, के इक्वल टू ए ई पे पावर माइनस ई ए बाई आर टी। तो बच्चों अगर हम इस इक्वेशन को अपने इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर कर दे, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार होगा, हमारे पास कुछ इस प्रकार होगा, ध्यान से देखते हैं, 5 × 10^11 e−4157 डिवाइड बाई टी। अगर बच्चों इसका कंपेयर हम इससे करते हैं ना, तो हमारे पास सब चीज तो सेम है, लेकिन जो ई ए बाई आर की वैल्यू है ना, ई ए बाई आर की वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगा, 4157 0। तो बच्चों 4157 0 आएगा ना, तो हमें एक्टिवेशन एनर्जी ई ए की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, 4157 0 × R, R का हम वैल्यू जानते हैं 8.14 होता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास ई ए का वैल्यू आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, 3456 12.982, जो कि हमारा करेक्ट ऑप्शन है डी। तो हमारे पास जो 43 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, द रेट कांस्टेंट रिएक्शन, हमारे पास एक रिएक्शन कुछ इस प्रकार ए से बी में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, इसका जो रेट कांस्टेंट है आर की वैल्यू, रेट कांस्टेंट आर की जो हमारे पास के की वैल्यू दी हुई ना, के की वैल्यू रेट कांस्टेंट कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 2 × 10^-4। द कंसेंट्रेशन ऑफ ए एट विच रेट ऑफ द रिएक्शन, यानी रिएक्शन का जो रेट आर कुछ इस प्रकार दिया हुआ, 1/12 × 10^-5। अब हमें क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है आप वो बता दो, द कंसंट्रेशन ऑफ ए, यानी कि हमें कंसंट्रेशन की सी की वैल्यू पूछा है। तो बच्चों हम लोग जानते हैं रेट बराबर क्या है, रेट बराबर कुछ इस प्रकार है के, और अगर हम बात करें तो जो हमारे पास रेट कांस्टेंट एंड रेट कांस्टेंट एल मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इससे हमें पता चलता है कि जो हमारा इक्वेशन इक्वेशन है ना, वो सेकेंड ऑर्डर का इक्वेशन है। तो हम लोग जानते हैं कुछ इस प्रकार होगा, आर ए पे पावर 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है। तो हमें कंसंट्रेशन निकालना है, तो कंसंट्रेशन ए बराबर कुछ ऐसे हो जाएगा, आर बाई के अंडर रूट हो जाएगा। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास जो रेट का वैल्यू दिया हुआ है कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 1/12 × 10^-5 डिवाइड बाई के, के की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार दी हुई है, 2 × 10^-4, और इसको ही हम क्या कर लेते हैं, अंडर रूट में रख लेते हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ, कंसंट्रेशन जो ए का दिया हुआ ना कुछ ऐसे दिया हुआ है, 1/24 × 10^-1। अगर हम इसको सही से अरेंज करके लिखे तो कुछ इस प्रकार हम लिख सकते हैं, 1/24 0।
बच्चों हम क्या करते हैं ना कि ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर ऊपर नीचे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कुछ इस प्रकार हो जाएगा 5/1200। अब हम क्या करते हैं बच्चों, 1/20 यानी कि 1/400 हम कॉमन कर लेते हैं। अगर हम 1/400 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 1 बाई, अगर हम 400 कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 1/400 इंटू 5/3। तो बच्चों अगर ध्यान से देखो, अगर हम 1/400 अगर अंडर रूट के बाहर निकाले ना तो हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा 1/20 5/3। तो बच्चों अगर हमारे इस प्रकार हम देखें तो हमारे पास जो विकल्प बी है ना, ऑप्शन बी, वह करेक्ट आंसर है हमारे पास कंसेंट्रेशन ए का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, कुछ इस प्रकार दिया हुआ, K3 Fe F6। बच्चों हम सबसे पहले इसमें सेंट्रल मेटल एटम जो आयरन है उसका हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। तो हम इसकी बात करें तो 3, और हम पोटेशियम का जानते हैं ऑलवेज +1 होता है, प्लस आयरन को हम एक्स मान लेते हैं, और हमारे पास फ्लोरीन 6 है तो 1 फ्लोरीन का -1 होता है, ओवरऑल चार्ज 0 है। इस प्रकार हम बात करें ना तो आयरन पे जो हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट है वह +3 आएगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि जो आयरन का एटॉमिक नंबर होता है वह 26 होता है। अगर इस पे +3 है ना तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे वह 23 होंगे। इस प्रकार अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन देखें ना तो हमारे पास कुछ इस प्रकार होगा, Argon 24 4s 0 3d 5। अगर हम देखें तो हमारे पास डी में ना टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, टोटल 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार होता है, एन एन प्लस टू, यानी कि कुछ ऐसे हो जाएगा 5 और 5 प्लस 2 यानी कि 7, यानी कि √35। और बच्चों √35 की वैल्यू जो होती है 5.91 होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन सी है वह करेक्ट आंसर होगा। हम बात कर लेते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की। तो 45 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, फॉर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ऑफ प्लेटिनम। बच्चों हमारे पास प्लेटिनम का कुछ इस प्रकार स्क्वायर कॉम्प्लेक्स है, Pt NH3 Br Cl और यहाँ पे पीरिडीन है। बच्चों इस प्रकार जो अगर हम बात करें ना तो हमारे पास यह इस प्रकार का एग्जाम्पल, हमें इसे आइसोमेरिक कहा, कितने आइसोमर बन सकते हैं। तो बच्चों यह एक एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार है, एक मेटल है और चारों अलग अलग लिगेंड है, और जैसा कि हमने पढ़ा था कि अगर कोई एक मेटल होगा चारों अलग अलग लिगेंड होगा इसके टोटल आइसोमर कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। तो हमारे पास जो ऑप्शन बी है ना वह करेक्ट ऑप्शन होगा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। तो बच्चों अगर हम देखें ना क्वेश्चन नंबर 46, तो कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, द ट्रांजिशन मेटल प्रोड्यूस ब्लू कलर ऑन एडिंग H2O2 ऑन एसिडिफाइड K2Cr2O7 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो किसके फॉर्मेशन से हमें ब्लू कलर मिलता है। तो बच्चों अगर हम ध्यान से देखें ना तो हमारे पास रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगा, K2Cr2O7 + 4H2O2 + H2SO4। अब हमारे पास जो यह रिएक्शन है कुछ इस प्रकार बनेगा, 2Cr O5 + K2SO4 + 5H2O। बच्चों ये जो हमारे पास Cr O5 है ना यह ब्लू कलर का होता है, और इसी के वजह से जो कलर होता है वो ब्लू प्रोड्यूस होता है। तो जो हमारे पास ऑप्शन ए है ना वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव प्रोपाइन। तो बच्चों अगर हम बात करें ना कि प्रोपाइन हमें किससे मिल सकता है, तो हम इस क्वेश्चन को याद ही कर लेते हैं क्योंकि यह याद करने वाला क्वेश्चन है, Mg2C3। इसका बच्चों अगर हम हाइड्रोलाइसिस करें ना, हाइड्रोलाइसिस वाटर के प्रेजेंस में, तो हमें क्या मिलता है, कुछ इस प्रकार का प्रोपाइन मिलता है, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। यह बच्चों आपका प्रोपाइन है। तो इस प्रकार जो हमारे पास ऑप्शन बी होगा ना वह करेक्ट आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारे पास अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन हैज लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों हमारे पास चार ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ कि कौन से एल्केन में सबसे लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास ऑप्शन ए है ना तो एन पेंटेन दिया हुआ है, और एन पेंटेन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 2 3,
ऑप्शन बी कुछ इस प्रकार दिया है, वो आइसोपेंटेन। तो आइसोपेंटेन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4, यह है बच्चों आइसोपेंटेन। हम बात करें थर्ड विकल्प बी यानी सी की, तो न्यू पेंटेन लिखा हुआ है, तो न्यू पेंटेन को बच्चों हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5, इसको हम लोग न्यू पेंटेन बोलते हैं। अगर हम डी की बात करें तो एन हेक्जेन लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6, यह एन हेक्जेन हो गया। हम जानते हैं कि जो बच्चों बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, तो जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होगा। तो अगर हम देखें ना सी में, तो इसमें टोटल 4 ब्रांच हमें दिख रहे हैं, टोटल हमें 4 ब्रांच दिख रहे हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा 4 ब्रांच नहीं, हमारे पास 2 ब्रांच दिख रहा है, एक लॉन्ग चेन और 2 ब्रांच दिख रहा है, तो सबसे ज्यादा इसी में ब्रांच है, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सबसे कम हो जाएगा। तो हमारा जो न्यू पेंटेन होगा ना, वो हमारे पास क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास जो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। तो बच्चों हमसे इंडक्टिव इफेक्ट पूछ रहा है, और इंडक्टिव इफेक्ट तो बच्चों हम जानते हैं कि जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उसका इंडक्टिव इफेक्ट सबसे अच्छा होता है। तो अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और हमारे पास नाइट्रोजन है। तो अगर हम देखें ना, तो जो फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो सबसे ज्यादा होता है, देन ऑक्सीजन का, उसके बाद नाइट्रोजन का। तो जो हमारे पास इस प्रकार कुछ ऑर्डर होगा, तो जो हमारे पास ऑप्शन बी होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 50 की। तो क्वेश्चन नंबर 50 कुछ इस प्रकार है, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कंपाउंड गिवन बिलो आर। कुछ इस प्रकार हमारे पास स्टेटमेंट दिया हुआ है, और स्टेटमेंट हम देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है, द कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव, स्टेटमेंट 1 है। स्टेटमेंट 2 देखते हैं, द कंपाउंड पॉजेस सेंटर ऑफ सिमेट्री। तीसरा की बात करते हैं, द कंपाउंड पॉजेस प्लेन ऑफ सिमेट्री। और फोर्थ हमारे पास नन ऑफ दिस दिया है। बच्चों सबसे पहले अगर हम इसको फिशर प्रोजेक्शन में लिखे ना, तो हम कुछ इसका फॉर्मूला कुछ इस प्रकार बनाएंगे, CH3 CH3 CL H CL H, कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं बच्चों, तो इसमें यह हमारे पास इसमें न ही हमें कहीं POS दिख रहा है, और न ही यानी कि कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है, और कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रहा है। बच्चों जब कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई भी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यह वाला कार्बन कायरल है, तो ये इसमें क्या होगा, यह कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो जो हमारे पास बच्चों ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा बच्चों, जो हमारे पास ऑप्शन ए है ना, वह हमारा करेक्ट आंसर होगा। बात कर लेते हैं नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों 51 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, 1,2-डाई-ब्रोमोप्रोपेन ऑन ट्रीटमेंट विथ एक्स मोल ऑफ NaNH2। बच्चों सबसे पहले तो हम प्रोपेन कुछ ऐसे बना लेते हैं, ब्रोमो ब्रोमो, यह हो गया हमारे पास 1,2-डाई-ब्रोमोप्रोपेन। अब इसका हम क्या करते हैं, यह एक्स मोल है, अब हम क्या करते हैं कि हम एक्स मोल NaNH2 से हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं, और बीच में हमने क्या डाल दिया, C2H5Br डाल दिया। तो हमारे पास क्या बन गया, पेंटाइन बन गया, कुछ ऐसे बन गया हमारे पास, कुछ ऐसे बन गया होगा हमारे पास पेंटाइन। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि जो एक्स की वैल्यू है, यानी कि जो हमने NaNH2 डाला वह कितना मोल लिया। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हमारे पास कुछ ऐसा रिएक्शन है बच्चों, अगर हम इसमें 2 मोल Na सोडामाइड डाल दें, तो क्या हो जाता है कि यह भी ब्रोमीन निकल जाता है, यह भी ब्रोमीन निकल जाता है, यहां से कैच निकल जाता है, यहां से कैच निकल जाता है, और यह क्या बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार हमारे पास प्रोपाइन बना लेते हैं, कुछ इस प्रकार प्रोपाइन बना लेते हैं। अगर हम इसमें NaNH2 का एक और मोल डाल दो, तो बच्चों यह NH2 जो एमाइड है ना माइनस, वह बेस का काम करता है, और यह एसिडिक हाइड्रोजन ले लेगा, कुछ ऐसे बना लेता है माइनस। अब इसमें क्या आता है बच्चों, हमने यह डाला, ध्यान से देखना, कुछ इस प्रकार C2H5Br, यह आएगा इस पर अटैक करेगा, इसको बाहर निकाल देगा, कुछ इस प्रकार हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा, 1 2 3 4 5, कुछ इस प्रकार हमारे पास प्रोडक्ट बना देगा। यह बच्चों हमारे पास है पेंटाइन, पेंटाइन। इस प्रकार देखें तो हमारे पास 2 मोल यहाँ पे यूज हुआ, और 1 मोल यहाँ पे यूज हुआ, तो टोटल हमारे पास 3 मोल यूज हुआ, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, इसमें हमारे पास रेजिस्टेंस ऑफ, जो हमारे पास सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.1
01 नॉर्मल का दिया हुआ है, और इसका जो रेजिस्टेंस दिया हुआ आर की वैल्यू हमारे पास 210 ओम दिया हुआ है। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी सेल विद सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट की वैल्यू बच्चे जानते हैं हम लोग एल बाई ए होता है, और इसकी वैल्यू जो दिया हुआ है 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स दिया हुआ है। हमसे पूछा है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस यानी कि लेमडा ई क्यू सोल्यूशन का निकालना है। बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो लेमडा ई क्यू होता है वो क्या होता है, के इंटू 1000 डिवाइड बाई एन। तो सबसे पहले हमें एन की वैल्यू निकालनी है, सबसे पहले हमें के की वैल्यू निकालते हैं, और के हम लोग जानते हैं क्या होता है, जी इंटू जी स्टार, यानी जी जो कंडक्टेंस होता है वो 1/r होता है, जो जी स्टार होता है वो सेल कॉन्स्टेंट यानी कि एल बाई ए होता है। तो हम क्या कर लेते हैं, 1/210 इंटू 0.88 कुछ इस प्रकार हम लोग लिख लेते हैं। तो बच्चों इसका जो हमारे पास आंसर आया ना, 4.19 इंटू 10^-3 ओम सेंटीमीटर इनवर्स आया है। अब बच्चों हम क्या करते हैं, अब क्या करते हैं कि हम इसको अपने इक्वेशन फर्स्ट में रख लेते हैं, हमारे पास लेमडा ई क्यू की वैल्यू निकल जाएगा 4.19 इंटू 10^-3 इंटू 1000 डिवाइड बाई एन, एन की वैल्यू 0.01 है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा कुछ इस प्रकार आएगा, 4.19 ओम इक्विवेलेंट इनवर्स, ये हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम वाटर, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द एक्वस सॉल्यूशन इज एक्स स्टार, फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, राइट आंसर इन होल नंबर। सबसे पहले हम बच्चों बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर दिया हुआ है, और हमारे पास एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। तो इस प्रकार अगर हम देखें ना, तो जो हमारे पास फॉर्मूला होता है डेल्टा पी डिवाइड बाई पी नॉट इक्वल टू एक्स बी, तो बच्चों यह वाला हमारे पास फॉर्मूला लगेगा। और हमें पता है कि यहाँ पे सबसे पहले यह जो एक्स बी होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। तो सबसे पहले तो हम मोल निकाल लेते हैं ग्लूकोज का। बच्चों जो ग्लूकोज का मोल कुछ इस प्रकार होगा, 18 ग्राम ग्लूकोज है, और हम जानते हैं कि ग्लूकोज का जो मॉलिकुलर वेट होता है 180 ग्राम होता है, इसका जो मोल आएगा 1.01 आएगा। अब हम मोल निकाल लेते हैं वाटर का, वाटर हमारे पास दिया हुआ 178.2 ग्राम, और हम जानते हैं वाटर का जो मॉलिकुलर वेट होता है 18 ग्राम होता है, यानी कि यह 9.9 मोल आएगा। इस प्रकार बच्चों अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें ना, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं जी या डेल्टा पी, और बच्चों हम लोग जानते हैं कि जो प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर होता है वो टार में होता है 760 टार होता है, इक्वल टू एक्स बी। एक्स बी बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए ग्लूकोज का मोल डिवाइड बाई टोटल मोल, टोटल मोल हमारे पास 0.1 और 9.9 यानी कि 10 मोल हो जाएगा। इस प्रकार बच्चों अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा 0.01 कुछ ऐसे हो जाएगा। अब डेल्टा पी की बात करें तो हमारे पास हो जाएगा 0.01 इंटू 760 हो जाएगा। बच्चों हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे हो जाएगा 7.6 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि जो डेल्टा पी होता है वो क्या होता है, पी नॉट माइनस पी सॉल्यूशन इंटू इक्वल टू 7.6। और हम बात करते हैं कि जो हमारे पास पी एस एम ए सॉल्यूशन का निकालना है कुछ इस प्रकार होगा, पी नॉट माइनस 7.6, और हम जानते हैं कि जो पी नॉट है वो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर है, और टॉर में हमारे पास हो जाएगा 760-7.6। इस प्रकार जो हमारा आंसर आएगा 752.2। अब अगर हम इसको नियरेस्ट इंटीजर में लिखे ना, तो जो हमारे पास नियरेस्ट इंटीजर या फिर नियरेस्ट होल नंबर है ना वो 752 हमारे पास फाइनल आंसर होगा, 752 टॉर, यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा 752 टॉर। बात कर लेते हैं बच्चों हम अगले प्रश्न की। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, द फर्स्ट ऑर्डर गैसियस डिकम्पोजिशन ऑफ N2O2 इंटू NO2, द रेट कॉन्स्टेंट के एट 1 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर रेट कॉन्स्टेंट हमारे पास K1 है तो उस टाइम K1 कितना वैल्यू दिया हुआ है, 4.5 इंटू 10^3। उस टाइम जो टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, अगर हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें जो हमारे पास T1 की वैल्यू आएगी ना, 274 केल्विन आ जाएगा। हम बात कर लेते हैं K2 की, व्हाट शुड बी द राइज इन टेम्परेचर टू गेट द वैल्यू ऑफ K2, यानी
यानी कि जो के टू का वैल्यू है वो 1.00 × 10⁴ है। इस प्रकार हमें टी टू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो बच्चों हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि लॉग के टू बाई के वन इक्वल टू ई ए बाई 2.303 आर लॉग आर 1 बाई T1 माइनस 1 बाई T2। तो बच्चों हमें T2 की वैल्यू निकालनी है। तो इस प्रकार अगर हम वैल्यू पुट करें तो हमारे पास कुछ इस प्रकार वैल्यू होगा। लॉग K2 की वैल्यू है हमारे पास 10⁴ और K1 की वैल्यू है 4.5 × 10�³। और EA की वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 58 किलो जूल दिया हुआ है। तो हम यहाँ क्या लिख लेते हैं, 58 × 10³। और हम लोग इसकी वैल्यू जानते हैं 2.303, आर की वैल्यू जानते हैं 8.314। और हमारे पास कुछ इस प्रकार हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें तो T2 माइनस T1 की वैल्यू हम लिख देते हैं 274 / 274 × T2। बच्चों अगर हम यहाँ से T2 को सॉल्व करें ना, जो हमारे पास T2 का वैल्यू निकल के आता है 283 केल्विन निकल के आता है। अगर हम इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करें ना, तो हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस फाइनल आंसर होगा, जो कि हमारे पास क्या होगा, T2 की वैल्यू होगी। यानी कि हम यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास पूछा हुआ है कि व्हाट शुड बी राइज इन टेम्परेचर। तो पहले तो हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस था, यानी T1 की वैल्यू हमारे पास 1 डिग्री सेल्सियस थी और T2 की वैल्यू हमारे पास 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो कितना डिग्री बढ़ा, तो हमारे पास डेल्टा टी जो आएगा ना वो 9 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आया ना वो 9 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट, यानी कि अगले 55 नंबर क्वेश्चन की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार लिखा हुआ है, एट 127 डिग्री सेल्सियस द हाफ लाइफ टाइम पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज 693 मिनट एंड द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द रिएक्शन एट सेम टेम्परेचर इज 100 किलो जूल पर मोल। द रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% डिकम्पोजिशन एट 273 डिग्री सेल्सियस एंड 50% डिकम्पोजिशन एट 127 डिग्री सेल्सियस इज इतना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेट कॉन्स्टेंट एट टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 127 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम जो हमारे पास रेट कॉन्स्टेंट होगा ना वह K1 होगा। और जो हमारे पास बच्चों उस टाइम जो हमारे पास टी हाफ यानी कि हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू कुछ इस प्रकार दी हुई है, 693 मिनट दिया हुआ है। बच्चों अगर हम बात करें ना, इस टाइम अगर हम K1 की बात करें ना, तो K1 कुछ इस प्रकार निकाल सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 / K। तो हमारे पास जो K1 की वैल्यू कुछ ऐसे हो जाएगी, 0.693 / T हाफ, और टी हाफ की वैल्यू हमारे पास 693 कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। तो बच्चों अगर हम इसमें देखें ना, तो हमारे पास जो K1 की वैल्यू है कुछ इस प्रकार निकल जाएगी, 0.001 मिनट इनवर्स। यह हमारे पास K1 की वैल्यू निकल गया। अगर हम बात करें कि T75 डिग्री सेल्सियस, द रेशियो ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर T75 डिकम्पोजिशन एट 2327 एंड 50% डिकम्पोजिशन एट 127। तो सबसे पहले तो हमारे पास 127 डिग्री सेल्सियस पे हम सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं कि हमारे पास टी हाफ की वैल्यू क्या है। तो बच्चों अगर हम बात करें कि हमारे पास जो कुछ इस प्रकार है, टी 50 इक्वल टू, हम फॉर्मूला जानते हैं कि 2.303 / K। K की वैल्यू हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, 0.001। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 0.001 लॉग लॉग हम जानते हैं कि जो हमारे पास टी हाफ दिया हुआ ना, स्टार्टिंग में ए डिवाइड बाई 50% कंप्लीशन का दिया हुआ ना, तो हमारे पास जो ए नॉट की वैल्यू होगा वो a/2 हो जाएगा, यानी कि a0/2 हो जाएगा। यानी कि कुछ इस प्रकार हो जाएगा, 2.303 / 0.001 log 2 हो जाएगा।
अब हम बात कर लेते हैं T75 की बात कर लेते हैं, हम लोग T75 की बात कर लेते हैं। तो बच्चे जो हमारे पास T75 है कुछ इस प्रकार हो जाएगा T75। अब हमारे पास जो T75 है कुछ इस प्रकार हो जाएगा T75 के लिए 2.303। और बच्चों इस प्रकार हम K2 लिखेंगे, K2 इसलिए लिखेंगे कि इसका टेम्परेचर चेंज हो गया है, 327 डिग्री सेल्सियस हो गया है लॉग। अब 75% कंप्लीट हो रहा है तो ए नॉट हो जाएगा डिवाइड बाई बचा हुआ ए नॉट बाई 4। तो इसको हम लोग कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं 2.303 डिवाइड बाई K2। अब यहाँ पे लॉग 4 हो जाएगा, लॉग 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 log 2, कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हमारे पास क्या पूछा है, हमारे पास रेशियो पूछा है 75 और 50 का, लेकिन हम निकाल रहे हैं 50 और 75 का रेशियो, तो हम बाद में इंटरचेंज कर लेंगे। अगर हम देखें तो इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे यह कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास कुछ इस प्रकार बचेगा K2 सबसे टॉप पे चला जाएगा। और बच्चों K2 सबसे टॉप पे चला जाएगा तो हमारे पास कुछ इस प्रकार हो जाएगा T50 बाई T75 इक्वल टू K2 डिवाइड बाई 0.002, 0.002। अब हमारे पास बच्चों हमारे पास ना क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार दिया हुआ कि हमारे पास T75 बाई T50 दिया हुआ, तो हम इसको उल्टा कर लेते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा T75 बाई T50 इक्वल टू हमारे पास कुछ ऐसे हो जाएगा। T50 0.002 डिवाइड बाई K2, बाकी सबका हमने कैलकुलेशन कर लिया था। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास T75 और T50 का जो रेशियो है ना कुछ इस प्रकार दिया हुआ है क्वेश्चन में, हमारे 0.33 × 10 पे पावर -3। इस प्रकार अगर हम देखें ना, जो हमारे पास K2 का वैल्यू आएगा ना, K2 का वैल्यू कुछ इस प्रकार आएगा 33 × 10 पे पावर -1 डिवाइड बाई 2 × 10 पे पावर -3। तो अगर हम इसको कट कर दें, अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें ना, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार हो जाएगा K2 इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाई 0.33 × 10 पावर -3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 6.06 मिनट, यानी इसको इसको अगर हम राउंड ऑफ करके देखें ना, तो हमारे पास फाइनल आंसर जाएगा वो 6 मिनट आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो यहाँ पे 6 मिनट होगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, आउट ऑफ द फॉलोइंग हाउ मेनी ऑफ ट्रांजिशन कंपाउंड आर कलर्ड। तो बच्चों सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 3 की बात करते हैं, तो हमारे पास कुछ इस प्रकार है MnO4 - Cr2O7 2 - Cr O4 2 - बच्चों इस कंपाउंड को हम लोग जानते हैं कि यह जो है इसमें सभी के जो डी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, वो जो डी सबसे होते हैं उसमें 0 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन फिर भी ये कलर्ड होता है। क्यों कलर्ड होता है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से, चार्ज ट्रांसफर की वजह से क्या होता है, यह कलर कंपाउंड होता है। ठीक है बच्चों बात कर लेते हैं कुछ अगले क्वेश्चंस की। तो अगला हमारे पास कुछ इस प्रकार है, MN3+ की बच्चों अगर हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास होता है ना CD4, यानी कि डी में इसके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस प्रकार हम दूसरे बात करें Copper 2+, इसमें जो हमारे पास होता है Cd9 होता है। अब हम बात करते हैं अगले कंपाउंड की, तो Fe2+, इसमें जो हमारा होता है Cd6 होता है। और इसके बाद बात करें कि हमारे पास Iron 3+, इसमें जो हमारा होता है 3D5 होता है। बच्चों ये सभी के सभी कलर कंपाउंड होंगे, कलर कंपाउंड इसलिए होंगे क्योंकि इनमें सभी के सभी क्या है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा कलर नहीं होगा। अगर हम बात कर लेते हैं स्कैंडियम 3+, इसमें जो 3D में जो होता है वह 0 इलेक्ट्रॉन होता है। टाइटेनियम 4+, इसमें भी जो हमारे पास 3D में है वो 0 इलेक्ट्रॉन है। और जिंक 2+, इसमें जो हमारे पास 3D में 10 इलेक्ट्रॉन है। बच्चों ये लास्ट के तीनों में ना डीडी ट्रांजिशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से ये कलरलेस होंगे। तो अगर हम बात करें 1, 2, 3, 4, 4 यहाँ पे और टोटल 3 यहाँ पे, यानी टोटल 7 कंपाउंड ऐसे हैं जो कि हमारे पास कलर्ड कंपाउंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो हमारे पास पूछा हुआ है द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फ्रॉम द मॉलिकुलर फॉर्मूला। मॉलिकुलर फॉर्मूला किस प्रकार दिया हुआ है, C3H9N। इसका हमें क्या करना है, इसका हमें देखना है कि हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर कितने बनेंगे टोटल।
तो ध्यान से देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या होता है। मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग। कुछ इस प्रकार बना लेते हैं, सबसे पहले तो हम एमीन बना लेते हैं, CH2 और NH2। यह पहला स्ट्रक्चर बना लेते हैं। इसमें बच्चों तीन कार्बन है, हाइड्रोजन हमारे पास 3, 2, 5, 7, 7, 2, 9, यानी कि हमारे पास हाइड्रोजन 9 और एक नाइट्रोजन है, तो हमारे पास इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला बढ़ जा रहा है। दूसरा हम क्या करते हैं कि 2 डिग्री एमीन बना लेते हैं, CH3, CH2, NH, CH3। इसका भी जो मॉलिकुलर फॉर्मूला है C3H9N आ जाएगा, इस प्रकार आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं तीसरा स्ट्रक्चर, कुछ इस प्रकार हम बना सकते हैं, CH3CH CH3NH2। यह भी बच्चों हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम आएगा। और फोर्थ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार हम बना लेते हैं, 3 डिग्री एमीन बना लेते हैं, CH3N CH3 और CH3। इसका भी बच्चों मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम C3H9N आएगा। इस प्रकार बच्चों हमने टोटल 4 आइसोमर बनाया, 4 पॉसिबल आइसोमर आया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते कि कौन कौन सा कंपाउंड हमारे पास एरोमेटिक होगा। बच्चों अगर हम ध्यान से देखें, अगर मैं इसी को नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, कुछ इस प्रकार हमने नंबरिंग कर दिया। अगर हम बात करें ना, तो हमारे पास एरोमेटिक होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए। पहली बात तो साइक्लिक होना चाहिए, दूसरा हमारे पास क्या होना चाहिए, प्लेनर, प्लेनर यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और तीसरा हमारे पास कंडीशन होना चाहिए कि कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, कंप्लीट कंजुगेशन होना चाहिए, और जो हमारे पास फोर्थ कंडीशन है वो हकल रूल को फॉलो करना चाहिए। बच्चों हकल रूल कुछ इस प्रकार है, 4n+2π इलेक्ट्रॉन, और जहां पे बच्चों n की वैल्यू है ना हमारे पास 0, 1, 2, 3, कुछ इस प्रकार होना चाहिए। इस प्रकार बच्चों अगर हम n की वैल्यू 0 रखें ना, तो हमारे पास 2π इलेक्ट्रॉन होगा, 1 रखे तो 6π इलेक्ट्रॉन होगा, 2 रखे तो हमारे पास 10π इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसे ही 14, 18 ऐसे ही हमारे पास चलता जाएगा। तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें ना, इसमें हमारे पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, और 4 इलेक्ट्रॉन होगा तो यह एंटी एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक नहीं होगा। अगर हम बात करें दूसरे में ना, तो दूसरे में 2π इलेक्ट्रॉन है और यह एरोमेटिक होगा। तीसरे का बात करें तो यहाँ पे कंजुगेशन इसका कंप्लीट नहीं हो रहा, तो यह होगा ही नहीं, नॉन एरोमेटिक होगा। फोर्थ की बात करें तो इसमें 6π इलेक्ट्रॉन है, तो यह कंजुगेशन या पूरा कंजुगेशन में तो यह भी एरोमेटिक होगा। हमारे पास 5th वाला भी एरोमेटिक होगा, 6th वाला नहीं होगा क्योंकि इसका कंजुगेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, और 7th वाला भी नहीं होगा क्योंकि इसका कंजुगेशन कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो टोटल हमारे पास 2 ऐसे कंपाउंड है, टोटल हमारे पास 3 ऐसे कंपाउंड है कि जो कि एरोमेटिक है। बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, तो जो हमारे पास अगला नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12C6 शुड बी डिजॉल्व इन 0.5 kg ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, रिड्यूस द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। बच्चों जो हमारे पास लास्ट आंसर लिखना कुछ इस प्रकार लिखना, मार्क 10 टाइम्स ऑफ मास ऑफ ग्लूकोज एज आंसर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, अगर मान लो कि हमारे पास प्योर वाटर है, प्योर वाटर है, तो इसका मान लेते हैं कि जो हमारे पास वेपर प्रेशर है ना वो 100 atm है। इस प्रकार जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन यानी कि यह P0 है और यह PS, जो सॉल्यूशन होगा वो एक एक डिग्री रिड्यूस हो रहा है। इसका मतलब कि सॉल्यूशन का हमारे पास 99 atm होगा, इस प्रकार होगा। तो बच्चों हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि ΔP/P0=xB। तो बच्चों जो xB होता है वो क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यानी n/n। और हमारे पास ΔP यानी कि अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें ना, तो 1 atm आएगा और P0 हमारे पास 100 है। तो इस प्रकार जो हमारे पास स्मॉल एन और कैपिटल एन की वैल्यू देख लेते हैं, स्मॉल एन की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन जो हमारे पास कैपिटल एन है ना, कुछ इस प्रकार है कि 500 0.5 kg यानी कि 500/80, तो हमारे पास इसका मोल निकल जाएगा। अगर बच्चों हम इसको सॉल्व करें ना, तो हम कुछ इस प्रकार इसको उल्टा कर सकते हैं, उल्टा कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, हम ऐसे लिख सकते हैं कि 100 इक्वल टू, अगर हम इसको सॉल्व करें तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं, 27.27, कुछ ऐसे हो जाएगा, n+27.27/n। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, n/n+27.27/n, यानी n n से कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम सॉल्व कर सकते हैं 27
0.27 बाई एन इक्वल टू 100 माइनस 1, यानी कि एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2.27 डिवाइड बाई 99, यानी कि कुछ ऐसा आ जाएगा 0.28। बच्चों एन की वैल्यू 0.28 आ गई ना, और हमें निकालना है कि इसका वेट कितना है, और वह ग्लूकोज दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि हम क्या करेंगे, मोल निकल गया, ग्लूकोज का वेट निकालना है, 0.28 × 180 से निकाल देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ग्लूकोज का वेट कितना होता है, 180 होता है मॉलिकुलर वेट। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 50.4 ग्राम आया। लेकिन बच्चों हमारे पास आंसर में लिखा होगा कि हमें 10 से मल्टीप्लाई करना है, जो हम अगर हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 504 ग्राम हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो जो हमारा फाइनल आंसर है ना, 504 कुछ इस प्रकार था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस प्रकार है, गिव द नंबर ऑफ लिगेंड विच आर नेगेटिव एज वेल एज फ्लेक्सिडेंटेड। बच्चों अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें ना, तो हमसे फ्लेक्सिडेंटेड पूछा है। फ्लेक्सिडेंटेड का कहने का मतलब ये हुआ कि वह अपना डेंटिसिटी चेंज चेंज मतलब कि वह अपना डेंटिसिटी चेंज कर सकता है, 1 भी कर सकता है और 2 भी कर सकता है। तो फ्लेक्सिडेंटेड में हमारे पास पहला ऑप्शन कुछ इस प्रकार है, CH C डबल बॉन्डो, यानी कि यह जो कार्बोक्सिलिक एसिड है कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ से भी कर सकता है, यहाँ से भी कर सकता है, और सिंगल भी कर सकता है, यानी एक तो यह हो गया। दूसरा हम ले लेते हैं CO2, जो हमारे पास है CO3 कुछ इस प्रकार है, C डबल बॉन्ड O O माइनस O माइनस, यह सिंगल भी बना सकता है और डबल भी बना सकता है, यह भी फ्लेक्सिडेंटेड है। तीसरा देख लेते हैं SO4 O माइनस, इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, यह भी एक सिंगल भी बना सकता है और डबल भी बना सकता है, यह भी फ्लेक्सिडेंटेड है। तो टोटल हमारे पास 3 ऑप्शन है, यानी कि हमारे पास 3 ऐसे लिगेंड है जो कि फ्लेक्सिडेंटेड का काम कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हमारा क्वेश्चन यहीं पे फिनिश होता है।